आज की वीडियो में रिव्यू करेंगे लेक्सस सीटी 200H 2011 मॉडल और 1800cc पेट्रोल इंजन के साथ है। इस गाड़ी का मैं फर्स्ट टाइम रिव्यू कर रहा हूं अपने चैनल के ऊपर, तो ज़्यादातर फीचर्स का मुझे आइडिया नहीं है। अगर आपको पता हो तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुहैब है और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल राइट रिव्यू। आज की रिव्यू लेक्सस की है, लेकिन साथ में आपको अजीब फीचर्स भी मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी में फर्स्ट टाइम माउस भी देख रहा हूँ। माउस का ऑप्शन यहाँ से आप स्क्रीन को एडजस्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे शायद, ये इसका मुझे आइडिया नहीं है। फ्रंट दोनों सीट्स आपको हीटेड सीट्स मिलेंगे, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। क्राउन के बाद अगर फेवरेट गाड़ी मेरी होगी तो वो लेक्सस होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिलेंगे। फुल स्टार्ट ऑप्शन के साथ है, ब्लैक डैशबोर्ड, लेदर की सीट्स, वो भी आपको ब्लैक कलर के अंदर मिलेंगे। बहुत ज़्यादा फीचर्स आपको मिलेंगे, सनरूफ का ऑप्शन भी अवेलेबल है। हालांकि ये 2011 मॉडल है, फिर भी आपको इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं। और फ्रंट प्रोफाइल में आपको 4 एयरबैग्स मिलेंगे इसके रंग पे, यहाँ पे भी डैशबोर्ड पे, वो आपको डिटेल वीडियो के अंदर दिखा दिया जाएगा। और फीचर्स का तो मैं यकीन करें फ़ैन हो गया हूँ, बहुत सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। एनालॉग मीटर और स्टीयरिंग भी आपको मल्टीमीडिया सिस्टम मिलेगा, मजीद आपको हीटेड सीट्स भी मिलेंगे। बढ़ते हैं इस गाड़ी की डिटेल रिव्यू की तरफ। जहाँ पे मुझे आइडिया है फीचर्स का वो तो मैं आपको मेंशन कर दूंगा, लेकिन जहाँ पे मुझे आइडिया नहीं होगा वो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपको आइडिया हो। गाड़ी के अंदर अगर कोई टचेज या कलर अवेलेबल होगा तो वो भी आपको वीडियो के अंदर मेंशन किया जाएगा। बढ़ते हैं डिटेल रिव्यू की तरफ। लेक्सस सीटी 200H 1800cc पेट्रोल इंजन और 2011 मॉडल। रेयर साइड के वाले से आपको बता रहा हूँ 2011 मॉडल है, लेकिन रेयर साइड के लिए आपको सेंसर्स मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी में बहुत ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल है, रेयर स्पॉइलर और मजीद हाई माउंटेड लैंप्स, बैक कैमरा भी अवेलेबल है। लेक्सस की ब्रांडिंग की गई है इसके रेयर साइड पे। आपको इस गाड़ी का बूट साइड दिखाता चलूँ, अगर ओपन हो रहा है तो यहाँ पे जी काफ़ी स्पेस आपको मिलेगा इसके बूट साइड पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके सील्स, थोड़ा सा डस्ट पड़ा हुआ है, इसको आपने इग्नोर करना है। बाकी गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर आपको मिलेगी। साइड प्रोफाइल के हवाले से आपको बताता चलूँ तो टायर्स की कंडीशन एवरेज कंडीशन के अंदर, और साथ में रिंग्स भी अच्छी कंडीशन के अंदर मिल रही है। रेयर साइड के लिए डोर लैचेस पे कोई सेंसर अवेलेबल नहीं होगा, और बॉडी कलर के अंदर लैचेस मिलेंगे। यहाँ पर सेंसर का ऑप्शन अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। और मजीद जो है साथ में की का ऑप्शन भी अवेलेबल है। साइड मिरर्स आपको रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स मिलेंगे, इंडिकेटर का ऑप्शन, और फ्रंट प्रोफाइल आपको दिखाता चलूँ। लुक के हवाले से आप देख सकते हैं गाड़ी अच्छी लुक के अंदर भी है, और बहुत ज़्यादा फीचर्स भी अवेलेबल है। LED लैंप्स लो बीम के लिए, हाई बीम के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंप्स, साथ में इंडिकेटर का ऑप्शन, क्रोम भी यूज़ किया गया है। लेक्सस की ब्रांडिंग जो है आपको रेयर साइड पर भी मिलेगी, और साथ में फ्रंट प्रोफाइल में भी अवेलेबल है। फ्रंट प्रोफाइल के लिए 2011 मॉडल में सेंसर्स भी अवेलेबल है, फोग लैंप्स भी मिलेंगे। गाड़ी की कंडीशन आपको अच्छी कंडीशन के अंदर मिलेगी, 9x10 कंडीशन के अंदर है। तो ये रही इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल। अब बढ़ते हैं इस गाड़ी की इंटीरियर पर, और आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाता चलूँ। डोर सील्स आप देख सकते हैं इस गाड़ी का, कलर की गारंटी होगी, कोई कलर और डेंट अवेलेबल नहीं है। इलेक्ट्रिक सीट्स मिलेंगे 2011 मॉडल, लेदर की सीट्स है ब्लैक कलर के अंदर। मिरर एडजस्टमेंट बटन्स, और साथ में लाइट को भी आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं। एनालॉग मीटर, ब्लैक डैशबोर्ड और स्टीयरिंग, आपको पावर स्टीयरिंग मिलेगा विद मल्टीमीडिया सिस्टम, पुश स्टार्ट ऑप्शन के साथ है। यहां पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ऑडियो सिस्टम भी अवेलेबल है, स्क्रीन भी अवेलेबल है। और यहाँ से आप इको मोड, स्पोर्ट मोड या पुश नॉर्मल फीचर जो है आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रंट दोनों सीट्स आपको हीटेड सीट्स मिलेंगे, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूं, लेकिन ये चीज़ जो है ये मैं गाड़ियों के अंदर न्यू देख रहा हूं, जो कि लेक्सस के अंदर ये मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूं। राइट रिव्यू पे लेक्सस की ये फर्स्ट टाइम रिव्यू है, इससे पहले मैंने लेक्सस गाड़ी की रिव्यू की, लेकिन वो बड़ी गाड़ियों में टोयोटा लेक्सस जो है, यहाँ पर ये छोटी गाड़ियों में लेक्सस की फ़र्स्ट रिव्यू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मजीद जो है सिगरेट लाइटर, और साथ में USB का ऑप्शन, EV मोड, इको, पुश नॉर्मल, स्पोर्ट मोड भी अवेलेबल है, ऑडियो सिस्टम,
और यहाँ जो है आप हीटर और एसी सिस्टम एडजस्ट करेंगे, स्क्रीन अवेलेबल होगा, दो अदद कप होल्डर्स और मज़ीद जो है यहाँ पे आपको हैंड सपोर्टर भी मिलेगा। काफ़ी कंफर्टेबल और रिलायबल सी डैशबोर्ड पे ऑडियो सिस्टम भी मिल रहा है और क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इवन 2011 मॉडल है। डैशबोर्ड स्पेस आपको दिखाता चलूँ तो कुछ इस तरह स्पेस आपको मिलेगा। फ्रंट प्रोफाइल में आपको चार एयरबैग्स मिलेंगे, सेफ्टी काफ़ी प्रोवाइड की गई है कंपनी की तरफ से। लेक्सस के अंदर 2011 मॉडल 200G वेरिएंट और 1800cc पेट्रोल इंजन के साथ है। सनरूफ का ऑप्शन आप देख रहे हैं, सनरूफ भी अवेलेबल है। काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको मिलेंगे और इलेक्ट्रिक सीट्स है। अब अगर डिमांड के हवाले से आपको बताता चलूँ तो लेक्सस 2011 मॉडल की डिमांड की जा रही है 22 लाख रुपये। ये डिमांड है, फाइनल प्राइस नहीं है। स्टीयरिंग भी आपको टू टून्स के साथ मिलेगा, वुड कलर, ब्लैक कलर और यहाँ पे भी वुड कलर और साथ में क्रोम भी यूज़ किया गया है। बढ़ते हैं इस गाड़ी की रेयर साइड पे और आपको इस गाड़ी का रेयर साइड भी दिखाएंगे और यहाँ पे आपको दिखाता चलूँ अपनी डोर्स को आप यहाँ से भी लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। इस तरह ये ऑप्शन जो है ये पैसेंजर साइड के लिए भी अवेलेबल है। ये भी अच्छी फीचर जो है इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेगी। फ्रंट दोनों डोर्स पर आपको ऑडियो सिस्टम मिलेगा। बढ़ते हैं इस गाड़ी के रेयर साइड पर और आपको इस गाड़ी का रेयर साइड दिखाता चलूँ। सबसे पहले डोर सील्स आप चेक करें, सेम कलर कम्बिनेशन पावर विंडोज मिलेंगे, 5 सीटर गाड़ी है और कंप्लीट सीट्स आपको लेदर की सीट्स मिलेंगे। रेयर साइड के लिए कोई ऐसी इवेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे और यहाँ पे आपको बताते चलूँ रेयर साइड के लिए एयरबैग्स अवेलेबल है। सिक्योरिटी फीचर्स बहुत ज़्यादा है इस गाड़ी के अंदर। फ्रंट प्रोफाइल आप देख सकते हैं इस गाड़ी का, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, डिफरेंट फीचर्स। फ्रंट दोनों सीट्स आपको हीटेड सीट्स मिलेंगे और ये है लेक्सस 200H वेरिएंट 2011 मॉडल और 1800cc पेट्रोल इंजन के साथ। सनरूफ आप देख सकते हैं, केबिन लैंप का ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। तो ये थी इस गाड़ी की कंप्लीट इंटीरियर और डिमांड जो है इस गाड़ी का किया जा रहा है 22 लाख रुपए। गाड़ी नॉन कस्टम पेड है, आप लिमिटेड एरिया में इसको चला सकते हैं। तो ये इस गाड़ी कम्प्लीट इंटीरियर। अब बढ़ते हैं इस गाड़ी की इंजन सस्पेंशन पर और आपको इस गाड़ी का इंजन सस्पेंशन दिखाता चलूँ। बूट साइड ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूं आपको और यहां पे शार्क इंजीना का ऑप्शन भी अवेलेबल है। और इस गाड़ी के अंदर आपको 1800cc हाइब्रिड इंजन मिल रहा है। ये भी एक अच्छा पॉइंट आपको मिल गया, तो मतलब इस गाड़ी का कोई ख़र्चा नहीं होगा और इंजन सस्पेंशन कंप्लीट अपनी कलर के अंदर आपको मिलेगी। ये थी आज की रिव्यू, लेक्सस 2011 मॉडल 200H वेरियंट और 1800cc हाइब्रिड इंजन के साथ है। गाड़ी का कोई ख़र्चा नहीं होगा, अच्छी खासी एवरेज आपको देगी और पार्सल अवेलेबल है खान मोटर शोरूम में। 22 लाख रुपए डिमांड किया जा रहा है। मिलेंगे नई वीडियो में नई गाड़ी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।